व्हाट्स अप कैप गैंग, आरआर क्यू, नाम तो सुना ही होगा। ये थी हमारी सबसे पहली टीम जिसे जाकर के झाते में गया था, पीएमएस जाकर के जीता था। आरआर की वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग टीम है, इनका लीडर कौन है? आरआर क्यू डी टू। तो आज हम जाकर के देखने वाले आरआर क्यू डी टू के कुछ खतरनाक से क्लचेस। अगर तुम लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, नोटिफिकेशन बेल के साइड, कमेंट सेक्शन बताना अगला कौन सा तुम चाहते हो कि हम कवर करें। ओके, ये पहला क्लच हमारा निकल के आ रहा है मीरामर के अंदर। वैसे बताओ आरआर क्यू डी टू ने और आरआर क्यू ने पूरे चारों बंदों ने मिलके इन्होंने ऐसा डोमिनेट किया था ना पहला टूर्नामेंट, तो सबको पता लगा कि ये लोग एफपीपी टीपीपी दोनों जीते थे ऐसे इतनी बड़ी लीड के साथ। लिटरली ऐसा लग रहा था ना आरआर क्यू के आसपास कोई कोई टीम आएगी ही नहीं भाई, इतना डेंजरस खेलते हैं ये लोग। ओके, यहाँ पर एक बंदे को नॉक कर दिया है, खत्म भी कर दिया है मौली से। ओके, ब्रश कर रहे हैं यहाँ पे आरआर क्यू टी टू ये भैया हमारे। कैप गैंग, आप लोगों ने वन एक्स के बारे में तो सुना ही होगा, एंड आपको उसी के साथ इस ऐप के अंदर इंस्टेंट विड्रॉल भी मिलता है। बेटिंग ऐप है जिसके अंदर आप जाकर के अपने प्रेडिक्शन लगा सकते हो, कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स हो। आपको जाना है यहाँ पर, सिर्फ अपनी बेट लगानी है कौन सी टीम आपको लगती है कि जीत सकती है, एंड आपको बहुत सारा पैसा कमाने को यहाँ पे मौका मिलेगा। एंड अगर आप 100 रुपए डालते हो तो आपको 200 रुपए मिलते हैं, मतलब कि इसके अंदर एक तो बोनस चल रहा है, मतलब 100 पे 100, 200 पे 400, मतलब डबल हो जाएंगे पैसे आपके इसके अंदर डालते ही। तो भाई जा करके डाउनलोड करो वन एक्स को एंड यूज करना मेरा कूपन कोड किंग एंड्रू, एंड भाई जा करके पैसे कमाइए। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। दो बंदे खत्म हो गए, एक नॉक है इनमें से, एक नॉक पड़ा है, दो बंदे और होंगे। ओके, पूरा राइट से एंगल बनाते हैं यहाँ पे हमारे आरआर क्यू डी टू वाले भैया। यहाँ पे PLM वर्सेस आई गेस आरआर क्यू डी टू ही चालू है, और यहाँ से PLM वाले बंदे ने नेड फेंका डी टू के ऊपर, और नीचे से बोले कि डी टू के ऊपर रश होने वाला है यहाँ पे शायद। Close to getting a headshot coming from D2E. Jasper coming ये in. PM from the fight. And we got the Cupid coming out. अरे भाई साहब, दो बंदे रो। He's in love with a slit of out. What the fuck is he बदल दिया भाई D2E ने? Why they are the fairest to lift that trophy? What a clutch coming in from D2E. That was great flanks and my. That is not allowed. Okay, यहाँ पर एक बंदा TP भी ले रहा है, इसको लॉक किया, nice. लेफ्ट साइड से एंगल बनाने की कोशिश शायद से यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, एक और बंदा नॉक, दो बंदे नॉक हो गए यहाँ पे। यार ये मिलिट्री बेस के अंदर फन मिलिट्री बेस कर रहा हूँ, मीरामर के अंदर बहुत अच्छे एंगल बन जाते हैं। और बता हर की मिलिट्री की मैंने उस गेम में देखे बंदा भाई 35-35, 40-40 किल कर देता था करके, हमने कितने बंदे मिलते कैसे तेरे को भाई। ओके, यहाँ पे अपार्टमेंट की फाइट में एक बंदा भैया नॉक फिनिश हुआ है कतई डी टू के हाथ से, ऊपर जा रहे हैं डी टू। क्या बंदा टीपी भी ले रहा है, इसको भी नॉक किया भाई, घुसते नॉक पे नॉक निकाले जा रहा है ये। देखो एग्जैक्टली पता नहीं है डीटीवी कौन से डिवाइस पे खेलता है, लेकिन मेरे को शायद से ये पता है कि ये फोर फिंगर क्लॉ खेलता है, मतलब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। और मेरे को ज्यादा कह रहे डीटीवी बहुत टाइम तक बिना गायरोस्कोप के भी खेला है, जो नॉन गायरो प्लेयर्स में से आता है जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, नहीं तो तुम्हें पता गायरो प्लेयर्स कितना डोमिनेट करते हैं। थोड़ा पुराना है बट तुम देखो तो डी टू भाई, तुम समझ रहे हो आज से 2-2.5 साल पहले ऐसे डोमिनेट करती थी ना ये टीम। अब तुम जो क्लच देखने वाले हो ये एक्चुअली हुआ है आरआर क्यू वर्सेस गॉर्डल के समय पे, ये बहुत पैनिक लाइनअप है। देखो अभी परितोष पे नॉक फिनिश किया D2E ने, एंड D2E ने भाई अकेले ये मेरे को याद है अभी एक क्लिप, हम लोग बैठ करके इसको एनालाइज कर रहे थे D2E ने किया क्या था भाई यहाँ पर। इसके टीममेट्स इसको कॉल आउट दे रहे थे कि बंदे का, और D2E ने लिटरली भाई जो खेला IQ के साथ यहाँ पे, इतने डेंजरस IQ के साथ परितोष को नॉक फिनिश कर दिया है। ओके, लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ रहा है यहाँ पे D2E भाई। RRQ के प्लेयर्स के ना, जो देखो जो तुम देखोगे रिफ्लेक्स इनके नॉर्मल प्लेयर जैसे ही तुम्हें मिलेगा, मतलब जो प्रोस होते हैं, लेकिन इनका जो IQ था ना भाई, इनको कोई बीटी नहीं कर पाता था, इतने स्मार्ट थे। आई गेस वो यहां से खुद का एंगल बनाने वाला है। एंगल बनाया यहाँ पे कूद करके भाई, नारुतो यहाँ पे नॉक हुआ। अरे फैन चलता नहीं था ना,
ओह भाई 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 फुल स्क्वाड सब भाई ट्राई किया उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया D2 के, लेकिन बंदे में अभी भी झांके के वापस टीक ले रहा है वो, पता नहीं क्यों स्कोपिन करके खड़ा D2 कैसे होता है, हल्की सी बॉडी से उसको डैमेज दिया और बंदा नॉक भाई, तो फ्री में खा गया भाई बिना मतलब उसको पता था। ओके नॉक फिनिश बुक के थ्रू ब्रो, भाई एक और नॉक मत निकाल देना उसके अंदर फॉर्म फॉर्म में भाई मैं पागल हो जाऊंगा। ओके यहाँ पे D2 ही कैसे रश कर देगा, अरे वाह बेटे वाह तुम तो बड़े हैवी प्लेयर निकले, क्या भाग के आ रहे हो बुल्ले, वाओ डायरेक्ट जंप मार के बगल वाली बिल्डिंग में बूम बम ब्रो, अब RRQ D2 को देखते देखते मेरे को भाई हमारे लेंकी और वैनक्यू की कुछ ऐसी क्लिप्स मिली, मैंने कहा भाई ये तो दिखानी बनती है, ये क्या स्नाइपिंग है भाई, ये स्नाइपिंग कुछ जो ये करते हैं ना वैनक्यू और लेंकी की, तो मतलब देखोगे स्नाइपिंग कुछ तो तुमको लगेगा कि हम क्या देख रहे हैं, ये कौन से लेवल की गॉड लेवल की स्नाइपिंग है, लॉजिक समझ ही नहीं आएगा कि शॉट लगते कैसे बंदे को जाते, लेकिन बस शॉट भाई लग जाता है, भाई लग जाता है बंदे को कैसे तो लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, स्पेशली लेंथमैन गेमिंग की और बेंथमैन की तो क्या स्नाइपिंग है भाई, लेकिन इनकी ना प्रोफेशनल स्नाइपिंग है भाई, वो भी गलत लेवल की, चाका लाका लाका कर दिया भाई बंदे ने, चाका लाका कर दिया अब तुम ये देखो, ये बंदे ने अब नई चीज डिस्कवर करी, ये बंदा बिना स्कोपियन करे मतलब बिना स्कोपियन करे बस ऐसे ठीक लेके बंदे को उड़ा देता है, क्या ये कौन सा जादू है भाई, लेंथमैन मैं पता नहीं भाई, ये तो ये प्लेयर क्या करते हैं भाई, ये देखो D2 ही तो जब गेम आया था तब बहुत ज्यादा डॉमिनेट था, वैक्यूम का तो अलग ही क्या है भाई, भाई मैं घूम जाऊंगा भाई, मैं गुम हो जाऊंगा, किसको मार रहा था तो यही समझ आ रहा है, स्पीड ऑफ व्हाट ब्रो, व्हाट इज द स्पीड ब्रो, व्हाट इज द स्पीड ब्रो, ये कौन सी स्पीड है कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये कौन सी स्पीड है, गोल घुमा देने वाली स्पीड है भाई, भाई बंदे सोचते रह जाते हैं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, फिर मैं नॉक खेले भाई गॉड और गॉड माय गॉड एवरीथिंग भाई साहब, क्या क्या रिफ्लेक्स है ये, क्या रिफ्लेक्स है ये, बाबू भैया फेल दिए भाई, ये देखो अब क्लोज रेंज स्नाइपिंग, तुम लोगों ने क्लोज रेंज स्नाइपिंग देखी है, ये देखो तुम लोग ये देखो, मतलब भाई हेलो ये बंदा कुछ प्लेयर की साइपिंग इतने गलत लेवल पे अच्छी हो चुकी है इस गेम के अंदर, तुमके दोस्त के बाबू भैया ये क्या साइपिंग है रे, ऐसे मार भी सकते हैं हैकर वैकर तो नहीं, लेकिन एक जनरल साइपिंग होती है टाइम्स दे रहे हैं, टाइम्स के लिए मेरे बहुत खतरनाक देखने वाले आज की वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल के साथ कमेंट सेक्शन में बताना तुम अगला कल प्लेयर कौन से आते हैं, हम कवर करें, मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक ले बाय बाय टेक लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू to stop what you're doing and listen.